बात वही है, हमारी आज हमारा विवाद संघ से क्या है, ये देश सबका है, भारत का संविधान सबका है, सबको अधिकार देते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि भारत के हर नागरिक को एक रहने की आवश्यकता है, नेक रहने की आवश्यकता है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत अनेकता में एकता है। और यदि आरएसएस या मोहन भागवत जी सनातन धर्म का पालन करते हैं तो हमारा सनातन धर्म कहता है पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, सर्व धर्म संभाव, सारे धर्मों का सम्मान करो, फिर केवल एक वर्ग जुट एकजुट हो तो ये तो हमारे समाज, हमारे भारत और भारतवासियों को ये तो बांटने का एक वो है। हमारा तो एक ही नारा है, हम लोग भारतीय पहले हैं, वी आर इंडियंस फर्स्ट, हम पहले भारतीय हैं और हमारे अधिकार भारतीय संविधान के माध्यम से चलते हैं और भारतीय संविधान और सनातन धर्म में एक रूपता है जो सबको समान एक नज़र से देखे। बात यह है जब मुगलों का राज रहा तब हिंदू खतरे में नहीं हुए, जब अंग्रेज़ों का राज हुआ तब हिंदू खतरे में नहीं हुए, अब कैलाश विजयवर्गीय जिनको हिंदू सम्राट कहते हैं नरेंद्र मोदी, उनके राज में हिंदू संकट में कैसे हो गए? और यदि है वाकई संकट में है तो ये उनका एक, मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक आक्षेप है। मैंने आपसे कहा, देखिए एक बात सुनिए, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सबको आमंत्रित करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है? अब हम ईद मिलन में भी जाते हैं, होली मिलन में भी जाते हैं और गरबा जो है ये हमारा गुजरात से आई हुई संस्कृति है ना, तो अब बड़ी लोकप्रिय हो गई है। हम तो चाहते हैं कि इसमें एकता नज़र आए, एक रूपता हो, सबको आने का अवसर मिले। हिंदू संगठन ज़्यादा हावी दिखाई दिए गरबों में, कई बजरंग दल के रोल। बात ये है, फिर आप वही बात करेंगे जो मोहन भागवत करते हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय करते हैं, शायद उनके प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं पूर्व में। मैं आपसे कहता हूँ हमारे लिए ये खतरे की घंटी है, इस देश के युवाओं को तीन चीज़ें बिगाड़ रही हैं, एक ड्रग्स, और ड्रग का जिस प्रकार से एक प्रचलन बढ़ गया है जिसमें कि कैप्सूल में अब आने लगा है और ये सारा कैप्सूल का जो धंधा है ये चलता है नासिक से, जितनी वहाँ पे नासिक में कैप्सूल ये एमडी ड्रग बनती है उसी का एक वक्त हमें भोपाल में देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा खतरा आज ड्रग्स का है युवकों के बीच में। नंबर दो, ये ऑनलाइन गेमिंग से युवक आज बहुत ज़्यादा लुट रहे हैं, हर कोई एक दिन में अरबपति करोड़पति बनना चाहता है, इसलिए ऑनलाइन गेमिंग बंद किया जाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। तीसरा, शराब, शराब का प्रचलन भी युवकों में बढ़ता जा रहा है। हम निवेदन करेंगे कि मोहन भागवत जी आप सदाचार की बात करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी आप सदाचार की बात करते हैं, आपकी नाक के नीचे ड्रग युवकों के बीच में बट रहा है, उसके बारे में आपका एक बयान नहीं देखा हम। भोपाल के फैक्ट्री में, भोपाल की फैक्ट्री में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 15 दिन से भोपाल रह रहा था, जानकारी ले रहा था, गुजरात की पुलिस उनके साथ आई हुई थी जो 17 दिन से वहां थी, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस को, भोपाल के कमिश्नर पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। और मुझे बताया गया है कि एडिशनल डीजी स्पेशल ब्रांच उसका पद खाली है, पद नहीं भरा गया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कलंक है
कि हमारे राजधानी में मुख्यमंत्री और डीजीपी और कमिश्नर पुलिस के नाक के नीचे ड्रग फैक्ट्री जिसमें कि 1800 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया, उसमें गुजरात की पुलिस को मध्य प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं था। नार्कोट्रिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं था। क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि उनको शक इस बात का था कि सब मिले हुए हैं, उनको जानकारी मिल जाएगी। ये हमारे लिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए एक शर्म की बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।